हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ हम कर रहे हैं जो हमें बहुत ज्ञान देता है। भगवद गीता भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। अगर हम भगवद गीता का श्रवण करते हैं या भगवद गीता का पाठ खुद से भी पढ़ते हैं तो हमें यह समझना है कि स्वयं भगवान से हमें यह ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि ये किसी और की लिखी हुई बुक नहीं होती। जो भगवान ने बोला है वो एग्जैक्टली बुक में लिखा होता है। तो ये भगवान की वाणी है जिसे गीत के रूप में भगवान ने हमें सुनाया है अर्जुन के माध्यम से। हमारे जीवन के जो भी प्रश्न होते हैं वो सभी हमें भगवद गीता के माध्यम से उनके उत्तर मिल जाते हैं, हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए हमें भगवद गीता का पाठ जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य सुनना या फिर पढ़ना चाहिए, और बार बार पढ़ें और सुने तो उससे अच्छा तो और होगा ही क्या। भगवद गीता हमें यह भी बताती है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि लक्ष्य क्या है जीवन का, तो फिर हम करेंगे क्या, किस चीज को फॉलो करेंगे, क्या अचीव करने के लिए हम कार्य करेंगे? सिर्फ भौतिक चीजें, घर बनाना, शादी करना, नौकरी लगना, क्या यही हमारे लक्ष्य हैं? क्या इसी के लिए हमने जन्म लिया है? जरा सोच कर देखिए, सुबह खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं या काम करने वाले काम पर जाते हैं, रात को घर आते हैं, अगले दिन फिर से यही रूटीन, खाते हैं, काम पर जाते हैं, सोते हैं, फिर से यही रूटीन, खाते हैं, काम पर जाते हैं, सोते हैं, फिर से यही रूटीन, तो ये कब तक चलेगा? क्या यही सब करने के लिए हम आए हैं? ये सब तो पशु भी कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं, उन्हें तो काम भी नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो फिर हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? यही करने तो हम नहीं आए, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा ही, वरना ऐसे ही करते जाओ फिर बोर नहीं हो जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन छुट्टी कर ली काम से, चलो मूवी देखने चले गए या कहीं और घूमने चले गए, किसी हिल स्टेशन पे चले गए। इस तरह से कोई ना कोई हम साधन ढूंढ लेते हैं टाइम स्पेंड करने का, ताकि हमारा मन थोड़ा सा दूसरी तरफ जाए, थोड़ा सा ठीक हो, ताकि हम कॉन्फिडेंस प्राप्त करें, दोबारा से हम खुशियां प्राप्त करें, फिर से काम पर लग जाएं, दोबारा फिर से वही रूटीन चालू हो जाएगा। खाओ, काम पर जाओ, रात को सो जाओ, खाओ, काम पर जाओ, रात को सो जाओ, यही रूटीन जीवन भर चलता रहेगा। तो क्या यही करने हम आए हैं? जरा सोच कर देखिए, कुछ तो लॉजिक होगा। आइए भगवद गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हमें इसका आंसर मिल जाए। भगवान हमें बताएंगे कि हम आखिर आए क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो भगवान हमें करंटली ये बता रहे हैं कि मैं ही छलिया हूं। अगर तुम जुआ खेल रहे हो ना और छल करते हो, तो वो जो छल है वो छल भी मैं ही हूं। मुझसे ही ऊर्जा प्राप्त करके वो छल कर पाते हो। अगर कोई अपने आप को छलिया कहता है तो मुझसे बड़ा छलिया फिर कोई नहीं है। शकुनी मामा ने किया था ना छल, तो क्या हुआ? तो क्या कृष्ण से जीत पाए कौरव? नहीं। भगवान और कहते हैं पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं, जबकि स्वयं अर्जुन सामने खड़ा है भगवान के, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वयं अर्जुन जो हो वो भी मैं ही हूं, मेरी ही शक्ति की वजह से तुम्हारे अंदर शक्ति है। इस तरह से भगवान अनेकों उदाहरण दे रहे हैं अपने ऐश्वर्य के। आज भगवान अपने ऐश्वर्यों के कुछ और उदाहरण देंगे, वो हम जानते हैं, और उससे पहले छोटी सी वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज भगवान हमें क्या ज्ञान देंगे? दंडः दं यतामस्मि नीतिस्मि जिगीषताम् मौनं चैवमस्मि गुह्यनाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्ण। अराजकता को दमन करने वाले
समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्णा। भगवान ने आज के श्लोक में ये बात की है कि जो अराजकता फैलाते हैं, अराजकता क्या होती है, जो सोसाइटी के अंदर जो रूटीन चल रहा है, कल्चर चल रहा है, उसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं, जो सिस्टम चल रहा है सिस्टम को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, उसे अराजकता बोल देते हैं। कि राज्य का जो रूल है उस रूल को भंग करना अराजकता भगवान कहते हैं। जो उस अराजकता को फैलाते हैं उसका जो दमन करते हैं, फिर मतलब उस अराजकता को अब रोकना तो होगा, अगर सिस्टम चलाना है ढंग से, राज्य चलाना है तो अराजकता को फैलाने वालों का दमन करना होगा। तो भगवान कहते हैं कि उनका दमन करने वाले साधनों में से जो पनिशमेंट दी जाती है, दंड दिया जाता है उनको, वो मैं हूं। जो गलत करेगा उसे कानून दंड देता है, वही बात भगवान कह रहे हैं। जो सिस्टम को स्पॉइल करता है तो उनको दिया जाने वाला दंड स्वयं मैं हूं। साथ में कहते हैं जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी नीति मैं हूं। क्योंकि अगर हमें किसी भी गेम में, किसी प्लान में विजय चाहिए तो उसके लिए नीतियां बनानी होती हैं। जैसे कि हमारी पॉलिटिक्स पार्टीज होती हैं, जो वो इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग नीतियां बनाती हैं, अगर हम ये नीति फॉलो करें तो हम जीत जाएंगे, वो नीति फॉलो करें तो जीत जाएंगे, बहुत कुछ सोच विचार चलता है और नीति बनती है। भगवान कह रहे हैं अगर आपको विजय चाहिए तो वो नीति मैं हूं जिससे आपको विजय मिल सकती है। रहस्यों में मैं मौन हूं। अब सबसे बड़ा रहस्य किसे मान सकते हैं, जो ऐसे खड़ा है बिल्कुल चुप। अब इस व्यक्ति के बारे में कौन क्या कह सकता है, रहस्यमय हो गया, बिल्कुल मौन है, जो कुछ बोलता ही नहीं, तो वो अपने अंदर का एक्सप्रेशन कैसे सामने वाले को दिखाएगा। मतलब उसने तो छिपा लिया सब कुछ, तो सामने वाला उसे पहचान नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि रहस्यों में मैं मौन हूं, जो बोलेगा ही नहीं, जिसके बारे में कोई क्लू ना मिले, कोई हिंट ना मिले, तो वो सबसे बड़ा रहस्य हो जाता है। अगर हम किसी चीज के बारे में छानबीन करें और हमें कोई क्लू ना मिले किसी भी प्रकार का, तो हम उस रहस्य तक कैसे पहुंचे, पहुंच ही नहीं पा सकते। तो कहते हैं भगवान उन सब रहस्यों में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो मौन का होता है, और वो मौन मैं ही हूं। और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। अगर कोई कहता है ही इज सो इंटेलिजेंट कि वो बुद्धिमान है या मैं बुद्धिमान हूं, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान आता है, भगवान कहते हैं वो ज्ञान मुझसे ही आता है, वो ज्ञान मैं हूं। मतलब भगवान ज्ञान के रूप में उसकी बुद्धि के अंदर प्रविष्ट कर चुके हैं, इसलिए वो बुद्धिमान है। आप क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि बुद्धिमान का ज्ञान मैं हूं और मौन मैं हूं, इनका मतलब क्या है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसे कहते हैं भगवान बलवानों का बल मैं हूं, यानी कि वो जो ताकत होती है ना, जो हमें दिख नहीं रही पर उसकी भुजाओं में ताकत है, भगवान ने अपना विस्तार उस ताकत के रूप में भी कर लिया है। मौन के रूप में भगवान ने अपना विस्तार कर लिया है। मौन दिखता तो नहीं है ना, मौन को हम एक एक्टिविटी मानते हैं, पर एक्टिविटी कभी दिखती नहीं है, करता हुआ व्यक्ति ही दिखता है कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, पर वो कार्य दिखता नहीं है कि कार्य है क्या। चुप होना, मतलब चुप होना एक क्रिया है, पर चुप होना ये मौन दिखता नहीं है, कैसा स्वरूप है, पर जो वो नहीं दिख रहा वो चीज भगवान है। भगवान ने अपने आप को उस रूप में भी विस्तृत किया है। ज्ञान के रूप में भगवान बुद्धिमान व्यक्ति के मन में चले जाते हैं, उसकी बुद्धि में चले जाते हैं, जिससे वो ज्ञानवान हो जाता है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि वो किस किस तरह सृष्टि के कण कण में घुसे हुए हैं। भगवान कैसे अग्नि के अंदर जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो भगवान है। मतलब अग्नि पे हम अगर ऐसे हाथ लगाएं तो जल जाते हैं, ऐसे दूर करते हैं ना, तो वो गर्मी कहाँ से आई हुई है? अग्नि तो, अगर भगवान उसके अंदर ना घुसे अग्नि के अंदर, तो फिर वो तो एक कलरफुल है, बस एक कलर सा निकल रहा है, ठीक है, पर वो गर्मी कहां से आ रही है?
भगवान प्रेजेंट है वहां पर, इसलिए भगवान उसको वो गर्मी दे रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं इन सभी चीजों के रूप में, जो स्पेशल स्पेशल चीजें हमें दिख रही हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, या चापि सर्वभूतानां बीजं ताताहं अर्जुन न ततास्ति विनायत स्यात् मया भूतं चरचरम्। हरे कृष्ण। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। जैसे एक पौधा उगाते हैं, खेतों में बीज डाल देते हैं, उससे फसल तैयार हो जाती है, मतलब छोटे से बीज से पीपल का वृक्ष भी बन जाता है इतना बड़ा। तो जैसे हम मानव हैं, तो हम भी कभी बीज रूप में होंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं मैं पूरी सृष्टि का जनक बीज हूं, यानी कि भगवान से ही पूरी सृष्टि ये बनी हुई है, कण कण भगवान से ही निकला हुआ है, ऐसा चर अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। मतलब बीज से पौधा बन गया, अब पौधा तो बीज के बिना है, बीज तो खत्म हो गया, पौधा रह गया वो, मतलब बीज से पौधा बना है ना, तो अब तो वो पौधा रह गया, बीज तो खत्म हो गया, बीज पौधे के रूप में हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं मैं बीज भी हूं और कोई प्राणी मेरे बिना रह भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि सृष्टि बना दी और भगवान का अस्तित्व खत्म, भगवान सृष्टि के रूप में हो गए, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान के बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अभी हम बात कर रहे थे अग्नि के अंदर जो गर्मी है वो भगवान की वजह से है, अगर भगवान उसमें से निकल जाएं तो अग्नि गर्म नहीं होगी, जल ठंडा नहीं होगा, मगरमच्छ ताकतवर नहीं होगा, पहलवान बलवान नहीं होगा। और भगवान कहते हैं जो प्लानिंग बनती है वो नीतियां खत्म हो जाएंगी, वो मौन नहीं रहेगा, यानी कि भगवान प्रेजेंट रहते हैं तभी ये सब चीजें अवेलेबल हैं। हरे कृष्णा। नैन्तास्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तु उद्देशतः प्रोक्ता विभूते विस्तरः माया। हरे कृष्णा। हे परन्तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्णा। तो कुछ दिनों से हम भगवान का ऐश्वर्य सुन रहे हैं, अध्याय नंबर 10। तो भगवान कहते हैं कि जो जो मैंने तुम्हें इसमें सुनाया है अभी तक, कितना बड़ा लग रहा होगा तुम्हें, हमें भी बहुत बड़ा लग रहा है कि हर चीज में भगवान कैसे विद्यमान है, इतना ऐश्वर्य भगवान का हम देख रहे हैं। पर भगवान कहते हैं ये तो मेरा एक छोटा सा परछाई मात्र है, एक संकेत मात्र है, स्फुलिंग मात्र है। स्फुलिंग मतलब स्पार्कल। अगर बहुत सारी अग्नि लगी हुई है उसमें छोटा सा पतंगा, भगवान कहते हैं यह ऐश्वर्य तो मेरा सिर्फ वो है, स्फुलिंग मात्र है, मेरा ऐश्वर्य तो असीम है, उसके बारे में तो हम कभी जान ही नहीं सकते, इतनी हमारी शक्ति ही नहीं कि हम उसे समझ पाए, जान पाए, ना ही हमारी इतनी उम्र है जिसको हम सुनने के लिए समय दे पाए। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें दो श्लोक और रहते हैं, ये भी कर लेते हैं, अध्याय 10 पूरा हो जाएगा। यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत् तदेव अवगच्छत्वं मम तेजः आंच संभवम्। हरे कृष्णा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। हरे कृष्णा। भगवान ने यहाँ पर ऐश्वर्य की बात की है, सौंदर्य की बात की है और तेज की बात की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐश्वर्य की। तो इतने ऐश्वर्य हमने सुने हैं, अगर कोई कहता है मेरे पास धन दौलत है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, तो वो सब चीजें भगवान के स्फुलिंग मात्र हैं, भगवान से ही वो चीजें आई हुई हैं। अगर अर्जुन को बोले तुम्हारे पास जो गांडीव धनुष है, किसी और का धनुष होता तो टूट जाता,
पर गांडीव कभी इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता। तो जो गांडीव के अंदर वो शक्ति विद्यमान है, वो ऐश्वर्य है अर्जुन का गांडीव, वो भगवान का ही दिया हुआ है, वो भगवान का स्फुलिंग मात्र है। भगवान तो इससे बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान है, भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य किसी का नहीं। सौंदर्य की बात अगर करें, खेतों में जाएं, लहलहाते हुए फूल दिखेंगे, फसलें दिखेंगी, कहेंगे इतने सुंदर खेत हैं, पर वो सुंदरता भगवान की दी हुई है, भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकते। कोई किसी स्त्री को देखकर, लड़की को देखकर कह सकता है, ओहो कितनी सुंदर कुड़ी है, बहुत सुंदर है ये वो। अरे रुक जाइए सर, स्टॉप, यहीं तक ठीक है। जो सुंदरता आप उसमें देख रहे हैं भगवान की दी हुई है। अगर आप किसी पुरुष में, स्त्री में सुंदरता देख पा रहे हैं और मोहित हुए जा रहे हैं और उसके मोह पर भगवान को भूल गए कि भगवान कौन है, अरे छोड़ो ना भगवान की बातें, देखो कितना सुंदर व्यक्ति जा रहा है, तो भूल कैसे गए, वो सुंदरता भगवान की दी हुई है। अगर भगवान की बनाई हुई चीज इतनी सुंदर है तो स्वयं भगवान कितने सुंदर होंगे, जरा सोच कर देखिए। भगवान श्री कृष्ण से सुंदर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी चीजें उन्हीं से निकली हुई हैं, तो उनसे ज्यादा सुंदर या ऐश्वर्यवान कैसे हो सकती हैं। पिता और पुत्र में ऐश्वर्यवान ज्यादा कौन होता है, एक लड़ी बनाकर देखिए। मतलब पहले तो पिता ही ऐश्वर्यवान है ना, पिता ने पुत्र को जो कुछ प्रदान किया उसके बाद पुत्र ऐश्वर्यवान बनता है। भगवान कहते हैं कि जो तेजस्वियां सृष्टि हैं उनका तेज मेरा स्फुलिंग मात्र है। जो इतना तेज हम देखते हैं, सूर्य का तेज देखते हैं, वो भगवान के पतंगे के समान है। तो लास्ट अंतिम श्लोक हम करते हैं 10वें अध्याय का। अथवा बहुनायतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन वेष्टभ्याहम् इदं कृत्सनम् एकंशेन स्थितः जगत्। हरे कृष्णा। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं, इतना सारा ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया, पर इतना डीप में जाने की क्या आवश्यकता है। सिंपल ये समझो ना कि श्री कृष्ण इन सभी ब्रह्मांडों के रचना करता है, इनकी सबकी रचना भगवान करते हैं और इन सब के अंदर विद्यमान है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान होता है। यानी कि जो जो स्पेशल स्पेशल चीजें हम देखते हैं, हर चीज भगवान श्री कृष्ण की प्रेजेंस की वजह से है। ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन को कि सिंपली इतना समझ लो कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अध्याय नंबर 10 पूर्ण हो रहा है, भगवान का ऐश्वर्य। अब हम नेक्स्ट एपिसोड से नेक्स्ट अध्याय 11 शुरू करेंगे, विराट रूप। भगवान अब अपना विराट रूप दिखाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।